नमस्कार। वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुलास नगरा रेलवे क्रॉसिंग पर आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि यह हादसा फाटक खुला होने के चलते हुआ है। यहां से गुजर रही चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन ने एक ट्रक और 2 बाइक को टक्कर मार दी। घटना के बाद ट्रेन भी पलटते पलटते बची। बता दें कटरा थाना के हुलास नगरा रेलवे क्रॉसिंग पर तैनात गेटमैन जितेंद्र यादव को सुबह 5:06 पर सूचना मिली कि 3 मिनट बाद वहां से चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस गुजरेगी। उस समय क्रॉसिंग से वाहन गुजर रहे थे। अपने तय समय पर ट्रेन वहां पहुंच गए लेकिन गेटमैन जितेंद्र गेट नहीं बंद कर सके। ट्रेन चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश की लेकिन तब तक ट्रेन क्रॉसिंग से गुजर रहे वाहनों में एक के बाद एक को टक्कर मारते हुए कुछ दूर आगे जाकर। आपको बता दें घटना के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस और आरपीएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। आसपास के गांव के लोगों की मदद से वाहनों में फंसे लोगों को निकालना शुरू किया गया। सीहो तिलहर परमानंद पांडे ने बताया कि 4 लोगों के शव मिले जिनकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। 2 घायलों में से एक की इलाज के दौरान मौत हो। आज प्रातः काल लगभग 5:15 बरेली और शाहजहांपुर के बीच में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। ट्रेन का नंबर था 5012 डाउन लखनऊ चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यह ट्रेन हुल्लासनगर क्रॉसिंग से जब गुजर रही थी तो क्रॉसिंग के पास एक ट्रक, एक डीसीएम और एक मोटरसाइकिल ट्रैक पर खड़ी थी और उससे होकर ट्रेन गुजर गई है जिसमें एक परिवार के 3 लोग और एक परिवार का एक व्यक्ति तथा एक अन्य परिवार का एक व्यक्ति, कुल 5 व्यक्ति की डेथ हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी मृतक व्यक्तियों के आश्रितों के लिए 2-2 लाख रुपए की घोषणा की गई है आर्थिक सहायता की। तो इस प्रकार से 5ों मृतकों के परिवारजनों को, उनके आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और इसमें एक व्यक्ति जो मृतक हैं वो पंजाब के रहने वाले हैं, उनके परिवारजनों को इसकी सूचना प्रेषित कर दी गई है। एक व्यक्ति जो घायल है उसका इलाज चल रहा है और वो उसको अभी डॉक्टर्स खतरे के बाहर बता रहे हैं। उनके चिकित्सा के सभी सम्यक इंतजाम कर दिए गए हैं। मौके पर ट्रैक को सुचारू करने की कार्रवाई चल रही है। रेलवे का एक ट्रैक चालू कर दिया गया है, दूसरे ट्रैक के इंजन को हटाकर बोगियों को निकाल दिया गया है तो सवारियां जा चुकी हैं और इंजन को हटाकर ट्रैक में जो क्षति हुई है, ट्रैक जो डैमेज हुआ है उसकी मरम्मत का कार्य रेलवे के इंजीनियर्स और उनकी अथॉरिटीज कर रहे हैं। मौके पर ट्रैफिक डाइवर्जन को लागू कर दिया गया है ताकि ट्रैफिक कंजेशन ना हो और इसको शीघ्र स्मूथ किए जाने की कोशिश की जा रही है। हम आशा करते हैं कि अगले 3 से 4 घंटे में हम ट्रैफिक को सुचारू करने में सफल हो जाएंगे और रेलवे का ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगा। मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दिए जाने की कार्रवाई आज ही तत्काल कर ली जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।